सुरपुर के नवापारा मोहल्ला में रहने वाली रूपम साहू की पत्नी लीलावती साहू ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कलेक्टर और एसपी से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लीलावती नाम की महिला ने 2 साल परिवार नियोजक के तहत नसबंदी कराई थी और अब वह गर्भवती हो गई है, जिसके बाद उसने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर डॉक्टर शशि तेरखी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित महिला ने क्षतिपूर्ति की भी मांग की है, तो वही अधिकारी अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो 2 साल पहले मैं ऑपरेशन करवाई थी, जो मैं पहले ऑपरेशन करवाई थी, जो कोई लेडीज सफाई से नहीं होना चाहिए। 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं कैसे परवरिश करूंगी उसका, उसका भी भरण पोषण करना चाहिए है? अब शासन उसको कुछ मेरे को देगा तब तो मैं करूंगी है? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ पे कर पाऊंगी। कौन क्या था प्रश्न आपका? ठीक है मैडम, मामला हमारे संज्ञान में आया हुआ है कि 2017 में जिसकी नसबंदी की गई थी, ये सूरजपुर के रहने वाली है, उसका वर्तमान में प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है। प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद जो प्रक्रिया है उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमने जिला चिकित्सालय और अपने सीएमएचओ से भी जानकारी ली। नॉर्मल रेट 1% फेलवर का रहता है, उनके द्वारा बताया गया है, और ऐसे प्रकरणों में डीएमसी करके बीएमओ के माध्यम से मुआवजा राशि का मांग कर रतनपुर पुलिस